नमस्कार, पूछता उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और उत्तराखंड आज पूछ रहा है कि असली मुद्दे कौन से हैं और बनावटी मुद्दे कौन से हैं, वो मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर 5 साल तक उत्तराखंड की जनता कराहती है और 5 साल के बाद 5 दिन के लिए नकली और बनावटी मुद्दे अपनी जगह ले लेते हैं। इन मुद्दों को लेकर जो रार है उसी तकरार पर आज की बहस रखी गई है, इस कार्यक्रम की आज संरचना की गई है। उन्हीं असली मुद्दों में से एक असली मुद्दा है जो दरअसल चुनावी मौसम में कहीं गायब रहता है, लेकिन जैसे ही चुनावी मौसम छटता है वैसे ही ये मुद्दा एक बार फिर रंग रूप ले लेता है, तैयार होकर सबके सामने आ जाता है। लेकिन चुनावी मौसम में विचित्र कथा है कि चुनावी मौसम में ये मुद्दा पता नहीं कहाँ गद्दा लगाकर सो जाता है और नजर नहीं आता, ढूंढे नहीं मिलता, नेताओं की जुबान पर नहीं आता, लेकिन जैसे ही एक बार मतपेटियों वाली जो तिजोरी है वो खुलती है और किसी ना किसी नाम नेता के नाम पर वो ठप्पा लगाती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, चुनावी मौसम गुम हो जाता है और पलायन का मुद्दा नई दुल्हन की तरह संसवर के एकदम सामने आ जाता है। तो पलायन का मुद्दा आखिर चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है? और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के साथ साथ 4 अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, कुल जमा 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें सबसे हंसी वाली बात यह है कि जब तक विधानसभा चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाते और 10 मार्च तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक पाकिस्तान जो है इलेक्शन वीजा लेकर भारत की शरण लिए हुए है, तब तक चाइना इलेक्शन वीजा लेकर भारत की शरण लिए हुए है। और उत्तराखंड में भी अमूमन ऐसा ही है। आजकल तो उत्तराखंड में राष्ट्रवाद भी घर पर ही बैठ गया है और हर किसी की जुबां पर भी यही है। बीजेपी के वही पुराने मसले हैं, कांग्रेस के वही पुराने मसले हैं, दोनों लोग जो हैं पुराने संगी यार हैं और चुनाव के वक्त दुश्मन हैं। हालांकि पार्टी के भीतर के जो लोग हैं वो कभी इस घर में आते हैं तो कभी उस घर में आते हैं, ये परंपरा है, चलिए ठीक है। लेकिन एक और चीज है, इस बार के चुनावी घमासान के बीच एक नई पार्टी ने एंट्री ली है, उत्तराखंड के लिए नई है और दिल्ली के लिए बहुत पुरानी है अब और लोकप्रिय भी है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के चुनाव में उतर चुकी है। कर्नल अजय कोठियाल साहब सीएम फेस हैं, बाकी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस जो है मेन रोल में, मेन टक्कर में है। लेकिन ना तो बीजेपी के किसी शीर्ष नेता के द्वारा हम ये सुन पा रहे हैं, ना ही बीजेपी के किसी हाईकमांड के द्वारा ये सुन पा रहे हैं कि पलायन को मुद्दा बनाकर चुनाव होगा और पलायन को रोकने के लिए कोई प्रभावी एक रोडमैप तैयार होगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा जिसके लिए जो सरकार बनेगी वो काम करेगी। कोई इस पर बात नहीं कर रहा, सब बात कर रहे हैं कि क्या हरीश रावत नाराज है कि नहीं नाराज है, क्या कांग्रेस में खेमे वाटी हो रही है, क्या बंटवारा टाइप चल रहा है, क्या आंतरिक कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या ये बात हो रही है। बीजेपी के लिए यह मुद्दा है कि भैया क्या करें, उनकी पार्टी का एक नेता कभी उधर, उनकी पार्टी का कभी एक नेता इधर, इसको टिकट दें तो ये नाराज, बेटे को टिकट दें तो पड़ोसी एक कार्यकर्ता वो नाराज, और बेटे को टिकट ना दें तो उसका बाप नाराज, और बाप तो है बड़ा नेता। तो ये समस्या जो है चुनावों के दौरान ये चल रही है और 5 साल तक जनता जिन मुद्दों को लेकर कराहती है वो मुद्दे हवा हवाई हो जाते हैं, चुनावी मौसम में गायब हो जाते हैं कि उनकी नेता जब रैली करने आते हैं या फिर आज की स्थिति की बात करूं तो वर्चुअल रैली जब कर रहे हैं तो नेता जो एक एक शब्द बोल रहे हैं, एक एक जो शब्द बोल रहे हैं वही मुद्दा बनता चला जा रहा है, वही मुद्दा बनता चला रहा है। पहाड़ में कनेक्टिविटी की समस्या है, किसी नेता के मुंह से सुना नहीं जा रहा, पहाड़ में पलायन इतनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है, किसी के मुंह से सुना नहीं जा रहा। इतनी बड़ी समस्या है कि 1702 गांव खाली हो गए हैं उत्तराखंड में, 1702 गांव खाली हो चुके, सब पलायन करके। कौन कौन लोग पलायन करके, 4.26% जो लोग हैं उन्होंने मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अभाव में पलायन करना जरूरी समझा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 36.2% जो लोग हैं वो यहां पर पलायन करते हैं, जो कि राष्ट्रीय जो पलायन की फीस दर है उससे भी कम है, राष्ट्रीय दर जो है वो 30.6% है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों लोग पलायन कर रहे हैं। 50% लोग रोजगार को लेकर पलायन कर जाते हैं क्योंकि रोजगार नहीं है देवभूमि में, इसलिए 50% लोग पलायन कर रहे हैं। 15.21% लोग शिक्षा को लेकर पलायन कर रहे हैं। 8.83% लोग
लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पलायन कर देते हैं। 4.26% लोग जो है उन्होंने मूलभूत सुविधाओं को लेकर पलायन किया है। तो पलायन आखिर आज चुनावी मौसम में मुद्दों में जगह क्यों नहीं बना पा रहा है? यह हर 5 साल के बाद आ जाता है, हर 5 साल के बाद आता है, क्योंकि 5 साल जनता इसी मुद्दे को लेकर कराहती है, लेकिन नेता पता नहीं क्यों विचित्र स्थिति में आके ये मुद्दे को धीरे से दरकिनार कर देते हैं और मुद्दे कुछ और ही बन जाते हैं। इसी को लेकर आज बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ महेश जोशी साहब जुड़े हैं, कांग्रेस से हैं, रविंद्र कुमार साहब जुड़े हैं, आप भाजपा से हैं, और डीके बोस साहब जुड़े हैं, आप आम आदमी पार्टी से हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले रविंद्र कुमार साहब से मेरा ये सवाल रहेगा कि 2017 में आप बंपर आपको जीत मिली, 2022 में आप खड़े हैं, दोबारा विधानसभा चुनाव होने हैं, आपने पलायन को रोकने के लिए क्या काम किया, और 2022 में जब आप दोबारा से इलेक्शन में आ चुके हैं तो ये बताइए कि आपके पास कोई रोड मैप है, क्योंकि पलायन तो रुका नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट है, कोई रोड मैप है, उसको दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए, जनता के सामने रखिए कि हमारे पास फलाना फलाना रोड मैप है, इसको लेकर हम चुनाव में आए हैं और हम पलायन को रोकने के लिए काम करेंगे। जवाब दीजिए सर। धन्यवाद। पहले तो आज आपने जो एक उत्तराखंड का मुख्य मुद्दे पे विषय पे जो आज ध्यान आकर्षित किया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे आपने उठाया है कि पलायन का जिम्मेदार कौन। मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपसे रहेगा कि इस पलायन का जिम्मेदार रहा कौन, और इस पलायन के कारण जो पलायन होने के कारण 1007 गांव जो आपने बताए हैं जो खाली हुए हैं उसकी जिम्मेदारी किसके सिर? ठीक है, बता देता हूं उसकी जिम्मेदारी किसके सिर है। इसकी जिम्मेदारी ना तो इसकी जिम्मेदारी ना तो नहीं, आपने सवाल किया, जवाब लेते चलिए फिर आगे बढ़ते चलिए। नहीं सर, सर नहीं, अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, पहले बात पूरी होने दीजिए, मैं आपका हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है रखिए। दूसरी बात, आपने इसमें जवाब दिया कि रोजगार के कारण, स्वास्थ्य के कारण ये सारी समस्याएं होनी, और दूसरा आपका क्या है कि पलायन पे रोड मैप क्या है। आज पलायन पे जिम्मेदार पिछले कई सालों से जो सरकारें यहाँ पे रही, जिन्होंने ना तो यहाँ पे रोजगार दिए, ना शिक्षा दी, ना चिकित्सा दी। आज हमारे प्रदेश में ये 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यहाँ एम्स जो ऋषिकेश में हुआ, मैं आपको ध्यान दिला दूं, उसके बाद कर्णप्रयाग तक रेल ले जाने की रास्ता साफ किया, वो किसने किया? आज ऑल वेदर रोड के थ्रू इतनी चौड़ी सड़कें जा रही हैं, जिसपे पिछले काफी दिनों तक इन्होंने अपने लोगों को लगाकर कई तरीके की रिट दायर करवाई, उस रोडों को रोकने का कार्य किया। सबसे जरूरी चीज है, किसी भी जगह की प्रगति अगर करनी है तो उसका रोड जो होता है, जो उसकी सड़क कनेक्टिविटी होती है, वह अगर सही होगी तो वहां हर चीज, हर व्यवस्था पहुंचेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे गर्व है इस बात का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने उत्तराखंड पे खास करके ख्याल किया कि जो इन्होंने इतनी बड़ी ऑल वेदर रोड जो काफी लंबे समय से इन्होंने बनने के बाद तरह तरह के प्रपंच लगा के उसे रोकने का काम किया, अभी वो फिर दोबारा चालू हो गई है, और कर्णप्रयाग तक रेल ले जाने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा किया है। और आप निश्चित समझे, आने वाले समय में इस पलायन को आप देखेंगे कि लोग वापिस अपनी जगहों पे वापिस पहुंचने लगेंगे, और ऐसा होना निश्चित रूप से आप मान ले कि ऐसा होगा ही होगा। चलिए ठीक है, और ठीक है महेश जोशी साहब के पास चलेंगे, एक एक राउंड हो जाएगा, फिर उसके बाद डिबेट को खोल देंगे। लेकिन सबसे पहले आपने ये सवाल किया था कि ये पलायन आखिर किसकी वजह से हो रहा है, तो आप मुझे ये भी बताते चले गए तो ज़्यादा थोड़ा मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। क्या पलायन TDP की वजह से हुआ, AIDMK की वजह से हुआ, या फिर पलायन समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ, जनसत्ता दल की वजह से हुआ, सुभाषपा की वजह से हुआ, निषाद पार्टी की वजह से हुआ, या भारतीय किसान यूनियन की वजह से हुआ? जो यहाँ पर सत्ता में काबिज रही, ये उनकी जिम्मेदारी थी पलायन को रोकना, या फिर आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की वजह से पलायन हो गया? तो जिम्मेदारी आपकी थी, देखिए आप भी सत्ता में रहे हैं, मायावती की जिम्मेदारी नहीं है, मायावती की वजह से पलायन नहीं हुआ है, पलायन हुआ खंडूरी साहब थे, हरीश रावत साहब थे, जिनकी केंद्र में सरकारें रही, उन्होंने इस तरफ को
पहाड़ को बिल्कुल नेगलेक्ट करके रखा। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज ही के पेपर में आप सबको न्यूज में है, मणिपुर में किस तरीके से रेलवे लाइन पहुंची है। 70 सालों में पहली बार अगर मणिपुर में रेलवे लाइन पहुंची है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सपना था, उसे जो साकार करके किया है। ऐसे ही उत्तराखंड में प्रत्येक जिले को कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, बड़ी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। सारे जितने हमारे धाम है जो रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे आने वाले समय पे, ये निश्चित समझना आप। ठीक है, आने वाले समय में समस्या यही है। एक थोड़ी सी टीका टिप्पणी हम करते हुए चलते हैं तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो मेरी जो बहस रहती है वो ठीक ठाक खुशमिजाज तरीके से रहती है। समस्या ये है कि सबसे आसान है चुनाव लड़ना किस पर? इतिहास पर। सबसे आसान है जवाहरलाल नेहरू जी को उठा लाइए और थोड़ा सा उसमें मसाला डाल दीजिए गांधी जी के नाम का, सबको उठा लाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ले आइए, सबको, ठीक है। वो फलानी 71 की लड़ाई को याद दिला दीजिए। इतिहास पर चुनावी मैदान में उतरना बहुत आसान है और वर्तमान पर बहुत कठिन। भविष्य पर भी आसान है, बड़ी बड़ी बातें कर दीजिए लेकिन भविष्य पर आसान है, इतिहास पर आसान है, लेकिन वर्तमान पे अगर हम वर्तमान में रहकर चुनावों की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। महेश जोशी साहब हमारे साथ कांग्रेस से। महेश जोशी साहब, जैसे ही मैंने पलायन की बात की, रविंद्र साहब ने पूरा ठीक रहा, ए टू जेड पूरा, मतलब जो पत्थर था वो पूरा उठाकर आपके सर पर दे मारा है। क्या आपकी वजह से हुआ है? महेश जोशी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, महेश जोशी साहब, जैसे ही डिबेट को खोला, जैसे ही पलायन पर सवाल किया, रविंद्र साहब ने पूरा का पूरा पत्थर उठाकर, पलायन वाला, अपने पाले से उठाकर आपके पाले में दे मारा कि उनका है भैया, उनका है। देखिए, ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण जो हुआ है, ये पलायन इसका मुख्य मुद्दा था, जिस वजह से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। और देखिए, जो उत्तराखंड राज्य की मूल भावना थी उसमें नहीं, डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, आवाज को थोड़ा सा उठाइए। विपक्ष में है तो आवाज को जरा सा भी कम मत कीजिए, बराबर कीजिए या फिर थोड़ा सा ऊपर ही कर दीजिए, आवाज को उठाइए। मेरी आवाज आ रही है आप पे? हाँ, बहुत शानदार आवाज आ रही है मेरी। हाँ, बहुत शानदार, स्वच्छ और शानदार। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ है उसमें पलायन सबसे बड़ा मुद्दा था, और उत्तराखंड राज्य की जो मेन समस्या है उसमें बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी जिसकी जो इतना ज्वलंत मुद्दा है, जिसके वजह से ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण के लिए यहाँ की जनता ने, यहाँ के आम लोगों ने, यहाँ के युवाओं, यहाँ की महिलाओं ने संघर्ष किया है, जिसके लंबे संघर्ष के बाद में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। और इसमें पलायन से मेन जो है शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, जिस पर काम होने की, जिससे पलायन रुक सकता था, लेकिन उस ओर कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आपने काम नहीं किया था उस ओर? काम जैसा होना चाहिए, काम उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। बहुत देखिए, तो ये सबसे अच्छी चीज होती है। रविंद्र जी आप सीखिए, रविंद्र जी आप इससे सीखिए। महेश जोशी साहब कितने ईमानदार व्यक्ति हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि काम जैसा होना चाहिए था वैसा काम नहीं हुआ। ऐसी ईमानदारी होनी चाहिए। मेरी बात पूरी होने चाहिए। कहने का मतलब कि 5 साल जो भाजपा की सरकार रही है उन्होंने पलायन का निर्माण किया, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब पलायन आपने रोकने के लिए क्या किया? और इतनी मीठी बातें मत करिए, इतनी मीठी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि कोई गोपाल बिष्ट रुद्रप्रयाग से पलायन कर दिल्ली आना चाहता था, कांग्रेस ने तो बकायदा हाथ पकड़कर उसे कलेक्टर बना दिया और रोक लिया कि रुको भैया। नहीं, कोई काम हुआ कि मैं बोल रहा हूँ, काम करने की जरूरत है। जो मूलभूत समस्याएं हैं पहाड़ की, जस की तप है। तो जस की तप किस लिए है? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन को रोकने के लिए। अरे आप देखिए, आप समस्याओं का नाम मत लीजिए, आप तो खुद सत्ता में रहे, समस्या आपको अगर इतनी ही पता है तो इनका समाधान के लिए आपने कुछ किया कि नहीं किया? या जिम्मेदार कौन है? काविंद्र चौहान जिम्मेदार है या बिल क्लिंटन जिम्मेदार है या फिर डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है? देखिए, आपकी सिडकुल की स्थापना है, जो सिडकुल की स्थापना आप देखिए देहरादून में या रुद्रपुर में, जो सिडकुल की स्थापना हुई हरिद्वार में। स्थापना छोड़िए, जिस दिन पार्टी कार्यक्रम होगा कहीं पर तो बढ़िया से बताइएगा, वो छोड़िए।
पलायन समस्या है, आपको जब इतने अच्छे से पता है, डीपली आप इस समस्या को समझते हैं, तो कर रही है काम कांग्रेस ने, तो काम किया है, सिडको की जो स्थापना की वो कांग्रेस ने की है, पंडित नरेंद्र तिवारी के समय से इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, शिक्षा के ऊपर काम हुआ है, स्वास्थ्य के ऊपर काम हुआ है, हमारे कार्यकाल में तो काम हुआ ही है। मैं तो पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ, जो 5 साल में जो भाजपा सरकार थी, ये 1702 गांव जो खाली हो गए, 1702 गांव जो खाली हो गए, 1702 गांव जो खाली हो गए, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां शपथ ले रहे थे और पहला गांव तब खाली हुआ था? ये 1702 गांव जो खाली हो गए, क्या ये खाली होना तब से शुरू हुआ जब त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे? पूरा रुक गया है। हेलो, हाँ, नहीं नहीं महेश साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं हमारी सरकार ने तो खूब काम किया, आप ये बताइए जो 1702 गांव जो खाली हो गए पूरी तरीके से, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी शपथ ले रहे थे, तब से शुरू हुआ है क्या? आप देखिए, जी जी, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। जो जो सिडकुल की स्थापना हुई है, सिडकुल की स्थापना से यहाँ के बेरोजगार युवाओं को इतना काम मिला है कि यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ के जो युवा थे वो सिडकुल के माध्यम से उन्हें रोजगार मिला है। ठीक है, उन्हें रोजगार मिला है, बस यही है आपके पास? जी जी। अच्छा, मतलब इतनी बार आप सत्ता में रहे और कहने के लिए आपके पास, आपने 6 दफा सिडकुल 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 कर दिया। चलिए, आप देखिए ना, सिडकुल छोटी मोटी सिडकुल, छोटा मोटा सत्ता नहीं है, बहुत बड़ा राज्य का संस्था है, उसमें आप देखिएगा में देखो कितने उद्योगों की स्थापना हुई, हरिद्वार में देखिए कितने उद्योगों की स्थापना हुई, आप देखिए रुद्रपुर जाइए, रुद्रपुर में इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो गया है, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे काम कर रही है। चलिए ठीक है, आपने आपने बहुत बार सिडकुल सिडकुल बोला, अगर इतनी बड़ी बात है तो प्रोड्यूसर को बताएंगे, वो बकायदा इस पर पैकेज चलाएंगे। चलिए, 1 घंटे का कार्यक्रम रखेंगे पूरा सिडकुल पर। चलिए, ऑन स्क्रीन लाइए जरा, आम आदमी पार्टी से डीके बोस साहब है, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके बोस साहब, समस्याएं तो सब पता है आपको, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इतने प्रिविलेज में हैं कि आप पर तो कोई आरोप भी नहीं लगा सकता हमें, आप तो सिर्फ अपना विजन बताएंगे, तो आप बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, विजन आप बताइए। बिल्कुल सर, देखिए इस राज्य को उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने 42 शहादत देकर बनाया है, और 42 शहादतों के साथ हजारों राज्य आंदोलनकारी और राज्य के लोगों ने इस राज्य के लिए एक सपना देखा था, सपना कि हमारा अपना राज्य होगा, जो हमारे पहाड़ के गांव हैं, दूर दराज के हमारे जनपद थे उस समय पर, जहां पर लखनऊ से शिक्षा स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाती थी, नहीं रोजगार के साधन पहुंच पाते थे, ना तमाम चीजें पहुंच पाती थी। मैं एक एक करके गिनवाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी लाइन है। इसलिए राज्य के लोगों ने लड़ाई लड़ी, राज्य आंदोलन किया, 42 शहादत दी, राज्य बना 8 नवंबर 2000 को, और अल्पकालिक सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नित्यानंद स्वामी जी की सरकार बनी। उन 2 सालों को में कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई विजन, कोई डॉक्यूमेंट कोई था ही नहीं, तो काम भी कुछ नहीं हुआ। 5 साल अगले आए, फिर 2007 वाले आए, 2012 वाले आए, 2017 में वर्तमान सरकार का एक एजेंडा, एक जिसको मैनिफेस्टो बोलते हैं, वो जनता के बीच आया था। उस एजेंडे के तहत हम प्लान को वापस लाएंगे, हम तमाम जो राज्य की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, जैसे इस राज्य की अस्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे, राज्य के इतने लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, ईमानदारी की सरकार चलाने के लिए हम लोकपाल, यानी जो दूसरा इनका वो नाम था, वो लेकर के आएंगे, और तमाम चीजों के वादे इन्होंने दुनिया भर के मलिन बस्तियों को नियमित करेंगे, नजूल भूमि को फ्री करेंगे अपने उन लोगों के लिए, ऐसे तमाम एजेंडे लेकर भारतीय जनता पार्टी बंपर बहुमत की सरकार में आई, और उनके साथी, उनके नुमाइंदे, उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं रवि जी। मैं बिल्कुल पूछना चाहता हूँ, पहले तो वो यही बता दे कि उन्होंने अपने उस मैनिफेस्टो के अंदर से कितनी लाइनें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उनका मैनिफेस्टो, उसमें से। अरे मैनिफेस्टो रख दीजिए, अरे नेताजी नेताजी, मैनिफेस्टो रख दीजिए, मैनिफेस्टो रख दीजिए, रख दीजिए। कोई काम अगर पूरा किया हो, यानी भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में केवल मुख्यमंत्रियों को बदलने में रह गई, मंत्रियों को बदलने में रह गई,
लेकिन एक भी काम इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो का ही नहीं किया जिस वादे के साथ ये सत्ता में आए थे। पहले तो वो यही बता देना कि जो मैनिफेस्टो था उसको सामने रख करके बैठे कितने काम किए और क्यों। अब मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो समझ रहे ना, मैनिफेस्टो अरे बोस साहब करे। अरे देखिए आपने 1702 गांव खाली बताए हैं, वो आधिकारिक सूची है। मैं ये जानना चाहता हूँ एक हमारे राज्य की 1,25,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां जो बड़े भाई उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। हाँ। और मुख्यमंत्री जी हाँ। उनसे मीटिंग करने जाते हैं। डीके साहब, डीके साहब, डीके साहब, दिल पर हाथ रखकर, डीके साहब, डीके साहब, डीके साहब, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं देवभूमि की समस्याओं को लेकर, बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे हैं। कौन सा काम आपने 5 साल के अंदर किया जिससे के इस राज्य के लोग आपको वोट दें? क्यों वोट दें आपको? राज्य का नौजवान ठीक है, आपको वोट देंगे, आपको वोट दें, साथ में मांगते भी चलिए, साथ में मांगते भी चलिए। पीआरडी हमारी बहने जो आंगनबाड़ी जो आशा कतरी की बहने जो अंतिम घर तक जाती है, वोटर बनानी हो तो किसी को टीका लगाना हो तो उनकी तनख्वाह बढ़ाने का आपने काम किया क्या? उनको नियमित करने का काम किया क्या? ठीक है ठीक है, इनको वोट ना दे, इनको वोट ना दे तो किनको वोट दे? डीके साहब इनको वोट ना दे ठीक है साहब, ये बताइए साहब, ये बताइए साहब, ये बताइए, अरे साहब ये बताइए, इनको वोट ना दे, इनको वोट ना दे तो फिर किनको वोट दे? क्लियर करके चलिए। पार्टी की बंपर बहुमत की सरकार पिछले 5 साल में फेल हो गई है, धोखा दिया इन्होंने राज्य की जनता को, उनका खून चूस लिया है। अरे बहुत हो गया बात करें, अरे साहब असाइनमेंट, असाइनमेंट कहां है मेरा? असाइनमेंट कहां है? असाइनमेंट की बात क्लियर कीजिए आप नेताजी को कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक डिबेट है। अरे साहब क्या कर रहे हैं? डीके साहब, डीके साहब रुकिए, डीके साहब रुकिए, डीके साहब, डीके साहब पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, डीके साहब पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बाद में लड्डू नहीं बटेगा, रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, शर्मा चाय की दुकान नहीं है, रुकिए। मुझको सबसे पहले डीके साहब ये बताइए, आपने मैनिफेस्टो की बात की, आप सबसे पहले तो दिल पर हाथ रख लीजिए और फिर मुझे ये बताइए कि हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो निकालती है। आज के दौर की बात कर रहा हूं, आज की राजनीतिक व्यवस्था जो है उसकी बात कर रहा हूं। हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो निकालती है, जो हार जाती है उनका मैनिफेस्टो तो जाता है डस्टबिन में, और जो जीत जाती है उनका मैनिफेस्टो रख लेते हैं, जो हारे हुए लोग होते हैं वो रख लेते हैं कि हाँ इस पर घेरते रहेंगे। होता कुछ नहीं है, जनता को तो पता भी नहीं वो मैनिफेस्टो कहां गया आज। और जनता, जनता को आप जो मैनिफेस्टो का पर्चा बांट कर आते हैं वही शाम को उसी मैनिफेस्टो के पर्चे पर जनता समोसा रख के खा लेती है, ये है। वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। अरे आप कुछ नहीं जानना चाह रहे, आप तो पार्टी की रैली समझकर यहां पर भाषण दे दिए इतना लंबा, आप पार्टी की रैली समझकर इतना लंबा भाषण दे दिए। नहीं नहीं ये पार्टी की रैली नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि कोई भी काम, अरे सच्चाई, अरे ठीक है ठीक है, आप तीनों लोग, आप तीनों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बात बताइए, आज की राजनीतिक व्यवस्था जो है, राजनीतिक पार्टियों की जो हालत है वो ये हो गई है कि आप कुछ भी बोलते रहिए। मैं कह रहा हूं आपसे, अरे आप स्क्रीन के इतना पास बताइए, थोड़ा सा स्पेस रखिए, आपका चेहरा भी दिखना चाहिए, सुंदर चेहरा है, मुझे कम आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, सबसे मेन चीज ये है कि आज की व्यवस्था, आज की राजनीतिक जो स्थिति है वो ये हो गई है कि कोई विश्वास नहीं करता, ना आप पर करता है, ना कांग्रेस पर कर रहा है, ना बीजेपी पर कर रहा है। वो दौर छोड़िए आप, वो दौर चला गया जब गांधी जी कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो और खुद नहीं चल पा रहे थे लेकिन उनके पीछे लाखों लोग चिल्ला रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो दौर चला गया जब जेपी साहब का हाथ भी ऊपर नहीं उठता था लेकिन वो बैठे मंच से उन्होंने बोला, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, मंच से उन्होंने बोला कि मैं जिंदा हूं डरो मत खड़े हो जाओ, और सबके सब 1.5 लाख लोग खड़े हो गए उस रैली में, वो खुद नहीं खड़े हो पाते थे क्योंकि उनकी बातों में वजन था। एक शब्द होता है ना शब्द, उसमें साक्षात ब्रह्मा बसते हैं, उनके शब्दों में ब्रह्मा थे। आजकल आपकी बात पर कोई विश्वास करेगा बताइए? तो यह हालत हो गई है, और जब यह हालत हो गई है तो आजकल, पहले कहा जाता था ना कि एंकर जो है वो एक्टर है, और तो प्रवक्ता भी एक्टर है, नेता तो महान एक्टर है। और चिंता की बात छोड़िए साहब, चलिए दूसरा राउंड शुरू करते हैं। मैं भी तो इसी बात को कह रहा हूं कि वो अरे दौर चला अरे गया, अरे नेताजी दूसरा राउंड शुरू हो गया, जनता को मूर्ख समझते हैं, जनता तो जनार्दन है, यही तो हम कह रहे हैं कि अब समय ठीक है आप आइए रविंद्र साहब, सवाल का जवाब वो तो कोई दया नहीं। हाँ रविंद्र साहब, मेरा आपसे निवेदन है
मेरा एक आपसे निवेदन है, ये जो इन्होंने आपने इनसे एक प्रश्न पूछा था कि अगर आप सत्ता में आए तो आपका विजन क्या होगा, इन्होंने विजन को तो छोड़ो पूरी कहानी बता दी। अरे चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, रोज दिन में 10-15-20 स्पीचें देनी पड़ती हैं, तो स्पीच एक यहाँ भी चिपका दी, ठीक है, बढ़िया है। अरे हम अब मुझे आप ये बता दीजिए रविंद्र जी, अब मुझे आप ये बता दीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे आप अपनी पार्टी से जो नेता इधर से उधर पलायन कर रहे हैं उनको नहीं रोक पा रहे, और टिकट भी आपने ऐसे बांट दिए हैं मजेदार, मतलब कोई भी पत्रकार ज्यादा समस्या नहीं होती, उठाए कहीं से भी सर्च मारकर रिसर्च करके रख ले, मतलब टिकट आपने इतने बढ़िया बढ़िया बांटे हैं, आप पलायन पर काम कर रहे हैं या फिर टिकट का जो पूरा मैनेजमेंट है उसको समझने के लिए काम कर रहे हैं, ये बताइए। पलायन के बीसी खंडूरी साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं खंडूरी साहब, उनकी बेटी हैं रितु खंडूरी जी, उनको आपने कोटद्वार से टिकट दे दिया। विजय बहुगुणा साहब हैं, पूर्व सीएम हैं, उनके बेटे हैं सौरभ बहुगुणा साहब, उन्हें सितारगंज से टिकट दे दिया। देहरादून कैंट से आपने हरवंश कपूर साहब हैं, उनकी पत्नी है सविता कपूर, उनको टिकट दे दिया। कानपुर सीट से आपने चैंपियन साहब की जो पत्नी है कुरानी देवानी, उनको टिकट दे दिया। काशीपुर सीट से आपने हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह को टिकट दे दिया। पिथौरागढ़ से पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी जो है चंद्रा पंत, आपने उनको टिकट दे दिया। आपने सुरेंद्र सिंह जीना के भाई जो है महेश जीना, उनको सल्ट से मैदान में उतार दिया। लेंसडाउन सीट पर आपने भरत सिंह रावत के बेटे दिलीप सिंह रावत को टिकट दे दिया। टिकट तो बांट दिए सारे परिवारों के अंदर, और आप यहां बैठकर टीवी पर बैठकर मुझसे बात कर रहे हैं कि पलायन को हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। देखिए आपका जो आज का मुद्दा है पलायन के ऊपर, ये बहुत गंभीर विषय है। अच्छा, पलायन के मुद्दे पर रहूं, इधर उधर ना जाऊं? जिस मुद्दे पर हर सोमवार, हर बुधवार, हर मंगलवार को कांग्रेस को पकड़ कर आप घेर कर सौ बातें सुना के चले जाते हैं। आपके हर एक बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहला सवाल आपका मेरा पलायन के ऊपर था कि आपका रोड मैप क्या है। मैं आपको, अरे आपसे महाराज, आपसे भी रोड मैप आज जानूंगा क्या? आप पिछले 5 सालों से सत्ता में थे, पहले आप ये बताइए कि जिस रोड पर सफर कर आप आगे निकल आए, 2022 तक आ गए, 2017 से 2022 तक उत्तराखंड की उन सड़कों पर आपने पलायन को रोकने के लिए क्या काम किया? देखिए पलायन को रोकने के लिए काम की जब तक रोड मैप नहीं होने का, आज सड़कों की कनेक्टिविटी, अच्छा, 2022 में रोड मैप याद आ रहा है? दिल्ली, पहले दिल्ली तक पहुंचने में 8 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे हैं। क्या सुंदर, मैं बहुत तारीफ करूंगा, तालियां होनी चाहिए, एक बार ताली बजा दीजिए, एक बार डीके साहब एक बार ताली बजा दीजिए, कितनी सुंदर बात की, कितनी सुंदर बात की, कितनी सुंदर बात की कि पहले दिल्ली पहुंचने में इतना इतना टाइम लगता था, अब दिल्ली पहुंचने में कम टाइम लगता है, मतलब पलायन करने वालों के लिए यह सुविधा तो दी है, पलायन करने वालों के लिए यह सुविधा तो दी है। पूरे प्रदेश में जब रोडों की कनेक्टिविटी हो जाएगी, आपसे एक मेरा सवाल अरे महाराज आप बार बार मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप एक काम करिए, आप किसी मीडिया संस्थान में पहले इंटर्नशिप करिए, 1 साल इंटर्नशिप करिए, उसके बाद फिर आप पत्रकारिता करिए, रिपोर्टिंग करिए, फिर 6 साल जब रिपोर्टिंग हो जाए तब आप बैठकर मुझसे सवाल कर लीजिएगा। ये कोई तर्क नहीं है भाई साहब, आप 6 साल रिपोर्टिंग 7 साल करके आइए और इधर आकर बैठ जाइएगा। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि पहाड़ों पे रोजगार कहां से सर्जन हो सकते हैं, किस वजह से सर्जन हो सकते हैं? उत्तराखंड जो है पूरे तरीके से पर्यटन है और धार्मिक पर्यटक है। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, देखिए समस्या है, एक मिनट रुकिए, रविंद्र जी बार बार समस्या आ रही है, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप पलट के मुझसे सवाल करते हैं। एक काम करिए आप, www.newsworldindia.com पर अपना CV भेजिए, अगर यहां पर एक्सेप्टेड हो गया आप इंटरव्यू दीजिए, अगर वो भी सफल हो गया तो फिर यहाँ पर आइए और बैठ कर यहाँ से सवाल करिए। आप मुझे से सवाल क्यों कर रहे हैं? जवाब दे ही आप सवाल है। नहीं कर रहा मैं, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि आप इस बात को क्यों नहीं कह रहे कि रोजगार सर्जन कैसे होंगे? आज सर्जन करने के लिए पर्यटन को आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, आप मुझे सवाल क्यों, आप मुझे सवाल पिछले 5 साल से लगातार काम हो रहा है, आप इस ओर इशारा ही नहीं कर रहे हैं। आप बार बार एक बात कह रहे हैं पलायन, आप एक बात लगाओ कि पहाड़ों के ऊपर इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन पर्यटन, पांच जो धार्मिक पर्यटन है, पांच चीजें बताइए, पांच इंडस्ट्री फैक्ट्री कुछ भी बताइए, क्या आपने वो चीज बनाई जिसकी वजह से पलायन रुका है वास्तविक रूप से? सर देखिए पहली बार इस प्रदेश के अंदर देश के बड़े उद्योगपतियों का समिट हुआ था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के समय में, तो उसमें बहुत सारे उद्योगपतियों ने यहाँ पे अपने उद्योग लगाने के लिए किस प्रकार का है, जो यहाँ की नेचर पे भी प्रभाव ना पड़े। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब तब की बात कर रहे हैं?
जी जी ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था। आपको सबको आपको आपके सबकी नॉलेज में है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें काम नहीं हो रहा हर चीज का, क्योंकि पिछले काफी समय से कांग्रेस के शासनकाल से। एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बड़े ध्यान सुनिएगा, बहुत जमीनी बहस करते हैं, ठीक है ना, बहुत जमीनी। आपने बोला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, हालांकि आपने उनको बाद में बदल दिया पार्टी आला कमान ने, जब वो मुख्यमंत्री थे तब फलानी फलानी डीलिंग हुई थी, फलाने फलाने काम के लिए मुहर लगी थी। आप सच सच बताइएगा कि अगर देहरादून के कोई भी उठा लीजिए आप, कमल बिष्ट है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, कमल बिष्ट उनके पास पहुंचा, शादी का कार्ड दिया कि साहब 6 महीने बाद मेरी शादी है, शादी में आइएगा जरूर। उसने पहले से शादी के कार्ड में लिखा दिया कि मुख्यमंत्री साहब आएंगे मेरी शादी में, और 3 महीने बाद आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, वो तो शादी में भी नहीं आ पाए फिर। अब आप क्या बातें कर रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब के साथ मीटिंग हुई थी, डीलिंग हुई थी, अरे सरकार ने क्या किया जमीन पर? आप देखिए, आप मेरे मेरे मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, पकड़ आप कुछ और लेते हैं। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जिक्र मत करिए, आप कहिए कि बीजेपी ने ये किया, आप कहिए कि हमारी सरकार ने ये किया। मैं बिल्कुल नाम लेके कह रहा हूँ, किया हो तभी तो बताएंगे सर। आप देश में खोद खोद करके पूछेंगे भाई साहब से, जो यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए। मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ, सब सवाल करेंगे आप, सब सवाल करेंगे आप। मैं ग्राफिक से कहूंगा सबके नीचे एंकर लिखवाइए, सबके नीचे एंकर लिखवाइए। बात कर रहे हैं आप, इस शो के एंकर हैं, आप ही करेंगे, लेकिन आपको हमारे सवालों के जवाब हमारे मत, अरे महाराज हमारे मत करिए। अभी कांग्रेस के नेता जी भी जुड़े हुए हैं, आप बार बार हमारे करेंगे, वो लगेगा उनको कि आम आदमी पार्टी और आप हमारे कब से हो गए। मेरा मतलब कहने का इन्हीं लोगों से है, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से ही है, विपक्ष के जो नेता जो सवाल उठाते हैं किसी भी मामले में उन्हीं से है। ठीक है, आम आदमी पार्टी को आप मजबूत मान रहे हैं स्थिति में? नहीं, इस मजबूत जी। ये मैं इसका क्या जवाब दूं, क्या मजबूत, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि इनके पूरे उत्तराखंड में कैंडिडेट कितने खड़े हुए हैं। तो ये आपकी नाकामी है ना, आपको पता होना चाहिए जो आपसे फाइट कर रहे हैं वो कौन है। नहीं 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 पता है कि नहीं है, मैं मेरा कटाक्ष है ये, इन्हें ही नहीं पता। अच्छा, इन्हें ही नहीं पता? हाँ, डीके साहब देखिए, डीके साहब ये कह रहे हैं कि आपको यही नहीं पता कि आपके उम्मीदवार कौन है, प्रत्याशी कौन है मैदान में विधानसभाओं से। नहीं नहीं, आप मुद्दों से आप अपने स्टार प्रचारकों को ईमानदारी से बोलिए कि हमने ये काम किया है। पहले राउंड में डीके साहब सबसे ज्यादा मौका मैंने आपको दिया, आप खूब बोलते रहे। अब रुकिए जरा, कांग्रेस से हमारे साथ, कांग्रेस से जोशी साहब भी हैं में घर वापसी की। अरे फिर जब उन्होंने वापसी की तो उम्मीद यही होती है अपने प्लान वाले जो हमारे लोग हैं वापस आते हैं तो हमारे लिए सरकार। अरे महाराज आप रुकिए थोड़ा सा रुकिए, अब मेरे को देखिए कितना चीखना चिल्लाना पड़ रहा है, मैं बड़ा एक बार सुन तो लीजिए ना। अरे रुकिए तो ना, अब थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट का भी, मेरी भी रिक्वेस्ट मान लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट भी मान लीजिए। अरे भैया, अगर मैं आपको ज्यादा, आप ही आप अगर बोलते रहेंगे, आपके मुख्यमंत्रियों ने ऐसा कौन सा उनके लिए काम किया कि वो अपने उत्तराखंड में ही रुक करके यही रोजगार करते, उनको नौकरी दी जाती, वो अपने बच्चों का लालन पालन करते, अपने माँ बाप की बीमारी। चलिए ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तीन महीने चार महेश जोशी साहब भी हमारे साथ हैं। अरे डीके साहब रुकिए, डीके साहब पहले बताते तो हम ऊपर टॉप एंड भी चेंज करा लेते, आम आदमी पार्टी की रैली है लिखवा देते। चलिए महेश साहब हमारे साथ, महेश साहब मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, उत्तराखंड की सियासत की जब भी बात होती है, जो बड़े चेहरे, जो दिग्गज नेताओं का जो जिक्र होता है, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता निकलकर सामने आते हैं। जब इतने बड़े बड़े चेहरे, इतने दिग्गज नेता, सब कुछ रहे, जिनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बहुत थी काम के लिए, पलायन को रोकने में आपने भी कुछ किया नहीं है जिसको लेकर कमाल की बात यहां मैं कह सकूं बैठकर? नहीं देखिए, कांग्रेस ने पलायन रोकने के लिए बहुत काम किए हैं। आप देखिए तो सबसे बड़े तो आप देखिए, यहाँ उद्योग धंधे की स्थापना वाली बात है, जब से राज्य का गठन हुआ है
जो सवाल पूछे किया कि आपने मुख्यमंत्री बने हैं नहीं साहब नहीं नहीं आपके शासनकाल में देखिएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उद्योग धंधों के क्षेत्र में आप देखो इतना मतलब एक ही ऐतिहासिक का काम हुआ है कि इतना काम अब किसी प्रकार में हुआ ही नहीं है। आज जहाँ पे भी आप देखोगे रोजगार की स्थिति देखोगे जो प्रदेश के युवाओं को जो रोजगार मिला है अब वो देखो उसमें मतलब ये प्राइवेट सेक्टर भी देख लीजिए तो यही मतलब फिटकुल के माध्यम से रोजगार सृजित किया गया है। आप ये देखिए ना सबसे बड़ा तो मतलब रोजगार देने वाला साधन तो ये शेड्यूल है जिसके माध्यम से आप देखिए सेला कोई हो गया हरिद्वार हो गया उधम सिंह नगर हो गया रुद्रपुर में देखिए आप इतने उद्योग धंधों की स्थापना हुई कि सबसे ज्यादा उद्योग धंधे ये रुद्रपुर में ही लगे हैं। नरेंद्र तिवारी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनके शासनकाल में लगे मतलब पूरा पलायन को रोकने के लिए जो काम किया गया वो आपकी सरकार ने किया जी। लेकिन अभी हमारे साथ जो बीजेपी के हमारे साथी बैठे हैं रविंद्र कुमार साहब आप देखिए ना ये कह रहे हैं कि सड़कें तो हमने बनवाई कनेक्टिविटी तो हमने बढ़िया की वादे कर रहे हैं तो इस वजह से तो नहीं पलायन कम था आपकी सरकार। अभी ये 2017 के चुनाव में इन्हें अपार जन समर्थन मिला है अपार जिसने देखिएगा कि आपने नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ उत्तराखंड में आके पहले कहा था कि आप यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनाइए और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप देखो ये रोजगार की क्या स्थिति है आज ये हमारे प्रदेश एक सेकंड रुकिएगा जरा डीके साहब को शायद आवाज नहीं जा रही डीके साहब को शायद आवाज नहीं जा रही उत्तराखंड की बेरोजगारी की 10-23% से पार कर चुकी है। पिछले 5 साल में आप देखोगे किसी भी सरकारी विभाग में कोई रोजगार नहीं दिया गया। आप देखिए ठीक है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किए गए तो इसलिए आपको सरकार में बना दे इसलिए आपको वोट दे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए कि आप प्रधानमंत्री गर्भवती वो समस्याओं की बात मत करिए आप समाधान की बात करिए क्या रह गया जो आप देंगे कांग्रेस सत्ता में समाधान करेगी। पीएससी और सीएससी के क्षेत्र में काम कांग्रेस ने बहुत काम किए अब देखिए ना 50% लोग जो रोजगार की तलाश में देवभूमि छोड़कर चले गए क्या वो 2017 के बाद ही गए क्या 15% लोग जो शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उत्तराखंड छोड़कर चले गए क्या वो सिर्फ बीजेपी की सरकार में ही गए 8% लोग जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते उत्तराखंड को छोड़कर चले गए क्या वो केवल बीजेपी की सरकार में गए 4% लोग जो बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको लेकर जो उत्तराखंड छोड़कर चले गए क्या वो सिर्फ बीजेपी की सरकार में ही गए। ऐसा है कि ये एक दिन का काम नहीं एक दिन में अगर हम सोचे कि यहाँ से पलायन भी खत्म हो जाए यहाँ से एक दिन में काम नहीं होता ये तो एक इसके लिए एक रोड कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा पलायन की समस्या पर काबू पाने के लिए कितना समय लगेगा ये तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना इसमें किस हिसाब से होगा क्या होगा उसके लिए कांग्रेस अपने कार्यकाल में कर रही है। अब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी तो उसमें उसके आगे का काम करेगी। कांग्रेस ने अपना कहा है कि 4 लाख प्रतिवर्ष 4 लाख लोगों को युवाओं को रोजगार देंगे तो जब आप टिकट बांट रहे हैं जब कांग्रेस टिकट बांट रही है तब ये चीज देख रही है कि किसके पास इच्छा शक्ति है कौन सच में जिसके पास जो काम करने की नियत रखना चाहता है। जैसे पहले के दौर में होता था ना मुलायम सिंह यादव बनते थे लालू प्रसाद यादव बनते थे बड़े बड़े सदन में पहुंचते विधानसभाओं में पहुंचते थे मंत्री बनते थे जो एक गरीब परिवार से निकले लोग क्योंकि इनके पास इच्छा शक्ति थी। कल्याण सिंह साहब थे कांग्रेस हरीश रावत जी भी थे कांग्रेस ने जीत हरीश रावत निरंतर कांग्रेस के जो नेता है हरीश रावत जी निरंतर प्रदेश की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के बाद में 2017 में चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता के बीच में जा रही है जनता समस्याओं के लिए संघर्ष कर रही है। आप देखिए कि मतलब टिकट बांटते टाइम आप इस चीज का तो ध्यान रख रहे हैं ना कि कौन सा विधानसभा में जो विधायक बनेगा वो जनता की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखेगा वो इन मुद्दों का भी ख्याल रखेगा राइट और रॉन्ग ऐसा है जो जिन्हें भी टिकट मिले वो आज ही काम नहीं कर रहे पिछले 5 साल से वो जनता के बीच में ठीक है ठीक है। लेकिन आपने तो टिकट लेकिन आप आप लेकिन जो टिकट दे रहे हैं वो इच्छा शक्ति जिसके पास नियत है जो कैपेबल है जो सक्षम है उसको कम दे रहे हैं थोड़ी सी ज्यादा टिकट आप उनको ज्यादा दे रहे हैं जो या तो किसी बड़े नेता की बहू है या बिटिया है या चाची है या भौजाई है उनको ज्यादा दे रहे हैं थोड़ी सी।
आप देखिए जिनके जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो लगातार 5 साल से जनता के बीच में वहाँ पे इतना सामाजिक कार्य किया है। हरीश रावत जी की जो बेटी है अनुपमा रावत जी, उन्हें हरिद्वार ग्रामीण से आपने टिकट दिया है, ठीक है? वो तो वो अब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव रह चुकी है, ठीक है? चलिए, इंदिरा हृदयेश जी है, ठीक है, वो क्यों रही, ये सवाल है और ये बहुत आपने गंभीर विषय छेड़ दिया है, वो ही आप क्यों? अनुपमा रावत की बात कर रहे हैं, अनुपमा आप पिछले 15 साल से हरिद्वार ग्रामीण में काम कर रहे हैं, ठीक है, और 20 साल से जो सुनीता डोबरियाल काम कर रही हैं, उनका क्या? जस्ट बिकॉज वो निर्धन खानदान से आती हैं, उनके पिताजी एक बाबू हैं, क्लर्क हैं, उनको आपने कभी नहीं ऐसा पूछा? ऐसा जो जो टिकट वितरण का ये हमारे सीएसी डिसाइड करती है कि किसे टिकट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, और सीएसी में कांग्रेस इंदिरा हृदयेश जी के बेटे हैं सुमित, उनको हल्द्वानी से टिकट दिया है। यशपाल आर्य, अरे कल परसों ही तो यशपाल आर्य आए थे और 6 दिन पहले तो कहीं और थे, बीजेपी कार्यालय में बैठते थे और 4 दिन पहले आपके कार्यालय में आए, आपने उनको टिकट दे दिया और संजीव आर्य को भी, उनके बेटे को भी टिकट दे दिया। हरक सिंह रावत जी की बहू है अनुकृति गुसाई, उनको भी टिकट दे दिया है। पूर्व मंत्री है सुरेंद्र राकेश, उनकी पत्नी है ममता राकेश, उनको भगवानपुर से टिकट दे दिया है। पूर्व सांसद है केसी सिंह बाबा के बेटे है नरेंद्र सिंह, उनको काशीपुर से टिकट दे दिया है। कुछ टिकट तो बांट रहे हैं आप परिवार में? नहीं नहीं नहीं, ये आज से राजनीति में नहीं आया, ये शुरू से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो काफी पहले समय से कर रहे हैं। दूसरी बात, इनका इनका काम आपको दिख रहा है 10 सालों का 15 सालों का, लेकिन जो 20 सालों से जो आपकी कार्यालय में जो झाड़ू लगा लगा के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है, झंडा बैनर पोस्टर और दरी बिछा रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, छोटे कार्यकर्ता को भी टिकट मिला, बड़े कार्यकर्ताओं को टिकट मिला, ऐसा नहीं है, सबको टिकट, सबको मतलब सबकी सहमति से ये किया है, जिसमें हमारे क्षेत्र में नेता कार्यकर्ता को टिकट दे रही है, उनकी सहमति से ये टिकट बटे। अरे साहब, डीके साहब, लोग तो ये कह रहे हैं कि आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा, अभी दोनों लोग छूटते ही बोलेंगे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोग बोलेंगे कि आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कितने टिकट दिए पूरे प्रदेश में, टिकटों की संख्या बता दो। मौका तो दीजिए ना, एक बार बोलने का मौका तो दीजिए, मैं बताता हूँ इनको। कानो कान आप तो अगर राष्ट्र आप अगर आप इन सत्ताधारी पार्टियों से ही बात केवल करेंगे तो हमारी पार्टी का विजन कैसे आएगा आपके साथ? बताइए कितने आप कितने आप कब कितना ज्यादा बोले हैं, कितना ज्यादा बोले हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप सत्ताधारी लोगों को ही बात करने देंगे, हमें बात नहीं करने देंगे। जी तो कांग्रेस के मित्र की आवाज नहीं आ रही हमें ना? सर, मैं, आवाज आ रही। मैं जी जानना चाहता हूँ। जी सुनाइए, मैं अपनी बात रखूं क्या? आप बिल्कुल अपनी बात रखिए, अगर मैं मना भी करूंगा तब भी आप अपनी बात रखेंगे, इसलिए आप अपनी बात रखिए। मैं बिल्कुल, ये टिकट किसको दिया, क्या किया, कैसे किया, ये तो जनता सब जानती है सर, ये जनता जनार्दन है, जनता ये जानना चाहती है कि पिछले 5 साल में इन लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया जिसके बिहार आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यालय में, आम आदमी पार्टी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के टिकट पाने के लिए लोगों को लड़ते क्यों नहीं देख पा रहे हम? बीजेपी वाले टिकट देते हैं, चार सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, बीजेपी वाले किसी भी विधानसभा में उनका टिकट फाइनल करते हैं किसी का भी, चार लोग वैसे ही नाराज हो जाते हैं, शादियों में जैसे फूफा होते हैं वैसे नाराज होकर बैठ जाते हैं, और दो तो जो पार्टी कार्यालय में बैठे होते हैं टिकट के लिए, उन्हें टिकट नहीं मिलता, वो रिक्शा पकड़ के घर चले जाते हैं, उनके यहाँ तो ऐसे ऐसे नाराज हो जाते हैं, यही हाल कांग्रेस में है, लेकिन आपके यहाँ कोई नाराजगी नहीं है? हमारे यहाँ बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं है? हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, हमारे यहाँ आम आदमी जो जिसने अपने क्षेत्र में काम किया पिछले 2 साल में केजरीवाल जी, पहले तो आप बीजेपी के बीजेपी से जो रविंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं, रविंद्र जी को आप संतुष्ट करिए, आप टिकटों की संख्या बता दीजिए, वो संतुष्ट हो जाएंगे। हमें तो बताओ भाई, हम 70 विधानसभा करना है, रविंद्र जी ने जो रविंद्र जी की सरकार ने जो पिछले 5 में काम किया है, जो लोग जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए, हम उन्हें संतुष्ट कैसे कर सकते हैं, ये तो बता दो। तीन तीन मुख्यमंत्री आपने बदल दिए, जनता के किया हुआ वादा 5 साल का आपने नहीं पूरा किया, ऐसा भी कोई काम नहीं किया जिससे जनता आपको दोबारा से वोट दे। आपको जनता समझ चुकी है, दिल्ली की भी और उत्तराखंड की भी, आपका बिल्कुल तभी तो बार बार सत्ता में हमारे आपका कुछ बहुमत के साथ आ रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ में आम आदमी का काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी की बहनों को नियमित कर रहे हैं, 10 लाख रोजगार
दिल्ली के अंदर जो है ना ईमानदारी से दिया है। वो कौन सी ईमानदारी थी, वो कौन सी ईमानदारी है जिसके तहत, वो कौन सी ईमानदारी है जिसके तहत आपने भगवंत मान साहब को टिकट दिया है? वो कौन सी समाज सेवा दिन रात करते रहे पंजाब में? सर मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी पूरी। मैं आप बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में ईमानदारी से हमने काम किया, पंजाब में ईमानदारी से काम करने जा रहे हैं, उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। वो कौन सी ईमानदारी है जिसके लिए आपने भगवंत मान साहब को सीएम फेस बनाया है? सिर्फ उनकी लोकप्रियता की वजह से ही बनाया है ना? समाज सेवा तो उन्होंने ऐसी कोई भरपूर की नहीं है। वो एक ईमानदार नेता है पिछले 10 साल। अरे वो ईमानदार नेता तो है, लेकिन आप ईमानदारी बार बार कर रहे हैं। रविंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं और रविंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं और वो वीडियो वायरल कर रहे हैं भगवंत मान साहब का दिन रात। वो भ्रष्टाचारियों की सरकार के लोग तो मुस्कुराएंगे ना, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता खिसक रही है। ईमानदारी से बात करते हैं भगवंत मान जी जैसा ईमानदार नेता पूरे देश में नहीं है। ईमानदारी से ही बात करते हैं, कभी कभी दिन में भी कर लेते हैं वो ईमानदारी से बात, सांसद में भी पहुंच जाते हैं। चलिए ये बताइए, चलिए ठीक है। घड़ी होती है, घड़ी में सुइयां होती हैं और सुइयां जवाब दे गई हैं। ठीक है, अब आखिरी राउंड है, फाइनल राउंड। आप सबसे पहले तो ये बताइए मुझको, डीके साहब आपसे ही शुरुआत करूंगा। आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं कि आप ये सत्ता में हैं, ये पावर में रहे हैं, इनको आप मौका दे रहे हैं, मुझको नहीं दे रहे, जबकि सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड आप हैं। मैं आपसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता क्योंकि उत्तराखंड में आप थे नहीं। तो आप ये बताइए मुझको, जो पहला सवाल था मेरा वो आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपने पूरी एक रैली को संबोधित कर दिया है, वर्चुअल रैली को। अगर यही क्लिप काट के आपकी आपके कार्यकर्ताओं के सामने लगा दूं तो वर्चुअल रैली लगेगी। अब आप मुझको जवाब दीजिए कि रोड मैप क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, उत्तराखंड की जनता देख रही है आपको, बताइए। बहुत साफ रोड मैप है। आपने 10 साल कांग्रेस को दिए, 12 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए, 5 साल केजरीवाल जी को दिए, कोठियाल जी को दिए, बस इसलिए दे दे। लस्सी बट रही है क्या? एक बार बताइए, रुकिए। आपने 10 साल इनको दिए, 5 साल इनको दिए, क्या लस्सी बट रही है क्या कि ठीक है अब हमें दे दीजिए? अरे रोड मैप बताइए भाई साहब। हां ये तो प्रमाणित करने वाली पार्टियों को, हाथ आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो वाली बात हो गई। या तो हमने दिल्ली में प्रूव करके ना दिखाया हो और उसी के भाप पे हम उत्तराखंड में वोट मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप हमको अगले 5 साल दीजिए और 5 साल में जो हम वादा कर रहे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, यानी हर घर एक। अब सुनिए आप मेरी बात, अब आप मेरी बात सुनिए। मैं कई बार ये सुन चुका हूँ कि दिल्ली में हमने ये किया उसको प्रूव करके। अरे भाई, दिल्ली की ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं वो उत्तराखंड की अलग है, समस्याएं अलग है, नाम अलग है। ऐसे जहां से मैं आता हूँ, फरखाबाद है उत्तर प्रदेश का, सर फरखाबाद है उत्तर प्रदेश का, फरखाबाद वहां की विधानसभा है जहां मेरा घर है, भोजपुर इलाका लगता है, भोजपुर इलाका, ध्यान से सुनिएगा। भोजपुर इलाके को आज के जो मौजूदा विधायक है वर्तमान, उन्होंने बहुत काम कराया है, विकास का बहुत काम कराया है, बोल रहा हूं, मुझे कोई हर्ज नहीं इस बात को कहने में, बहुत काम कराया है। तो इस मॉडल को लेकर क्या वो उत्तराखंड पहुंच जाए कि भोजपुर देखो भैया 4 लाइटें लगवा दी हमने, सड़क बढ़िया बनवा दी है, गड्ढा मुक्त सड़क हो गई है बिल्कुल, उत्तराखंड में हमें इसलिए मुख्यमंत्री बना दो? सर उत्तराखंड राज्य के अंदर कुछ रोड मैप बताइए महाराज, रोड मैप भी मैं बता रहा हूं। इस राज्य की तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। ये बात मैं भी बोल सकता हूँ, ये छोड़िए, रोड मैप बताइए, विजन बताइए, कैसे करेंगे। मैं तो 6 महीने से सोच रहा हूँ, 6 महीने से सोच रहा हूँ, मैं 6 महीने से सोच रहा हूँ, टीवी लूंगा तो टीवी ले थोड़ी ना पाई। आप मुझे ये बताइए, विजन बताइए, विजन क्लियर करिए, कैसे करेंगे? विजन बिल्कुल क्लियर है सर, मैं सवाल सॉल्व कर लूंगा। मैंने आपसे कब पूछा आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आप सवाल को सॉल्व तो कर ही लेंगे, मुझे पता है आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे ये बताइए, स्टेप बाय स्टेप। सत्ता में आने के बाद करेंगे सर, उससे पहले नहीं बताएंगे सर। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, उससे पहले नहीं बताएंगे, कोई काम नहीं कर सकते, मतलब कोई विजन नहीं के अंदर, मैं भी आपको पूरा विजन, मतलब कोई विजन नहीं है समय आपके पास भी। चलिए ठीक है, आपकी सत्यनारायण की कथा हुई समाप्त, जय श्री राम, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई विजन नहीं, मैंने मान लिया, वो सुरक्षित करेंगे। अरे आपने बोल तो दिया, दो टूक बोल दिया आपने, ताल ठोक कर बोल दिया कि भाई अभी नहीं है, जब सत्ता में आ जाएंगे तब विजन के बारे में सोचेंगे। नहीं नहीं, मैं तो क्लियर कर रहा हूँ आपको बात सर। हाँ। ऐसे मत करिए आप। हाँ। मेरी सारी जितनी मेहनत है उसको खराब मत करिए। आम आदमी पार्टी की जो मेहनत है वो ये है कि हम हॉस्पिटल को नवीनीकरण करेंगे, उसके अंदर सारी सुख सुविधाएं, जो मशीनें हैं, चाहे एक्सरे की मशीन है, अल्ट्रासाउंड की मशीन है, सीटी स्कैन की मशीन है, उसके बाद डॉक्टरों की व्यवस्था करेंगे, नर्सों की व्यवस्था। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव, प्रधानी का चुनाव नहीं है, अस्पताल में पेंट कर देंगे, प्रधानी का चुनाव नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली में बना रखे थे वैसी। चलिए ठीक है, आप रविंद्र जी काफी देर से मुस्कुरा रहे थे,
रविंद्र जी आप काफी देर से मुस्कुरा रहे थे। अगर कोई बाहर का आदमी भी दिल्ली में एक्सीडेंट हो जाता है, डीके साहब, जिसको हम कहते हैं कि जिसका कोई जानकार भी नहीं है, डीके साहब, जन्नत की हकीकत क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुस्कुराते रहिए, नाराजगी में कुछ नहीं रखा। आजू आजू ठंडा पानी होगा, पीजिए और थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। नाराज मत होइए, गुस्सा मत होइए, ठीक है सर। क्या देखिए, क्या मुस्कान है, चमकदार। बहुत पेशेंस है। आम आदमी पार्टी जो कहेगी वो करेगी। केजरीवाल जी की बातों को आप तमाम सुनते हैं, समझते भी हैं कि देश में दो चीजों की बहुत आवश्यकता है, एक तो काम की राजनीति की, दूसरी ईमानदारी राजनीति की। ठीक है, चलिए मान लिया, आप बहुत ईमानदार हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार आप हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रविंद्र कुमार साहब हमारे साथ। रविंद्र जी, पहले तो जब ईमानदार बोल दिया इनको तो आप मुस्कुराइए मत, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ईमानदार हैं तो हैं, ठीक है। अब आप मुझको ये बताइए रविंद्र जी, 5 साल सत्ता में रहने के बाद आज जब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया पलायन के लिए आपने किया क्या, तो मैं सच बता रहा हूँ, 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, 1 घंटे के कार्यक्रम में आपने कोई भी वो जवाब नहीं दिया जिससे ये बात क्लियर हो जाए कि सच में आपने कुछ काम किया है। ये वैसा ही है कि जो जो आप सुनिए एक मिनट, ये बिल्कुल वैसा है कि कांग्रेस ने जो दूध में जामुन डाला था आपने कुछ नहीं किया, बस उसका मट्ठा या दही बना दिया। चलिए आप 2 मिनट बिल्कुल बगैर मुझे टोका टाकी से मेरी सिर्फ 2 मिनट बात सुन ली। क्यों सुन लूं 2 मिनट के लिए, आप 20 सेकंड में बोलिए, समय की मजबूरियां हैं, पाबंदियां हैं, आप भाजपा कार्यालय में थोड़ी ना चल रहा है कार्यक्रम। जवाब देने में नहीं, चलिए मुझे 20 सेकंड। क्या ये सत्य भी है कि दूसरे की दूसरे जब दूसरा बोल रहा है तो उसमें अतिक्रमण मत करिए। हाँ ठीक है, आप बोलिए रविंद्र जी, आप बोलिए। क्या ये सत्यता नहीं है कि कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछ रही है? क्या ये सत्यता नहीं है सरकार की योजनाओं को गिनाते रहेंगे मोदी जी के नाम पर? अरे साहब, पूरी रविंद्र जी मैं पलायन की बात कर रहा हूँ, पलायन की बात कर रहा हूँ। मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, महाभारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पलायन की बात कर रहा हूँ। जब मैं पलायन की बात कर रहा हूँ, आप पता क्या कर रहे हैं? आप व्यंग कर रहे हैं, आप चटकारे ले रहे हैं। मैं पलायन की बात करता हूँ, आप कहते हैं हमने सड़कें अच्छी बनाई, रेलवे लाइन बिछाई, बढ़िया से पलायन करेंगे, कंफर्टेबली पलायन करेंगे, राजू पलायन करेगा, ननकू पलायन करेगा, राजेश पलायन करेगा, क्योंकि आपने सड़कें बढ़िया बना दी। बढ़ावा मिलेगा जब पर्यटन को बढ़ावा, रोजगार में होम स्टे योजना हमारी सरकार लेकर आई, जिसके कारण लाखों हजारों लोगों को रोजगार मिला है होम स्टे के अंतर्गत। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, कई योजना पे काम चल रहा है जिससे पलायन निश्चित रूप से रुकेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्रयास कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए हमारे साथ महेश जोशी जी भी हैं। महेश जोशी साहब जी, आपकी पार्टी बोलिए राज पर राज करती रही। आज आप जरूर विपक्ष में हैं, लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को कि मेंटली आप भी सत्ता के पावर सेंटर ही हैं। आप उत्तराखंड में आप भी पावर सेंटर हैं, समझे आप मेरी बात? कांग्रेस सत्ता में आ रही है। अरे भाई साहब, ये तो आप बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, जनता बोल रही है। आज ये देखिए कि भाजपा ने जो जनता से वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए हैं, झूठे वादे करके ये 5 साल सत्ता में रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। तो ये समस्या बहुत है, ये समस्या बहुत है कि जो सवाल कर रहा हूँ वो जवाब नहीं मिल रहा है, जो रटा हुआ है वो मिल रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे और रटवा देते हैं। बताइए, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आप भी पावर सेंटर रहे हैं, आपने पलायन को आज जो की समस्या है, आपने जब स्टार्ट किया था रिमार्क, जो ओपनिंग रिमार्क आपने दिया था, उसमें कम से कम आपने 1 मिनट तक पूरा समस्याओं का कच्चा चिट्ठा खोल कर रखा। अब आप जाते जाते ये बताते जाइए मुझे कि जो कच्चा चिट्ठा आपने खोल कर रखा था वो क्या आपने अपना ही कच्चा चिट्ठा खोल कर नहीं रखा था? देखिए, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का। अरे पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है तो आप मुझे क्यों, आप सरकार में रहे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी दफा सरकार में रहे, मैं आपको पावर सेंटर बोल रहा हूँ। अच्छा, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मायावती जिम्मेदार है, मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार है, तमिलनाडु के AIDMK जिम्मेदार है, सुभाषपा जिम्मेदार है, या ओपी राजभर साहब से सवाल करूं जाके, मैं निषाद पार्टी संजय निषाद साहब से सवाल करूं जाके, या ओवैसी साहब से सवाल करूं? आप जवाब दीजिए साहब, मेरी बात सुनिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं आपको उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में आप कहें कि यहाँ से पलायन खत्म हो जाए, ये लंबा प्रोसीजर है, इसमें लंबी, चलिए एक दिन का काम नहीं है, बार बार ऐसे ही सरकारें बनाते रहिए, नवाजते रहिए, ऐसे ही सरकारें बनाते रहिए, कोई सॉलिड फुल प्रूफ किसी के पास नहीं है, बस ऐसे ही सरकार बनाते रहिए, सत्ता में लाते रहिए, और हम यूं ही बातचीत करते रहेंगे, और सब बढ़िया कुशल मंगल। बहुत डीके साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है,
वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपने बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिए। रविंद्र कुमार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और महेश जोशी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी जो चर्चा है यहीं खत्म करते हैं। चर्चा के दरमियान आपने चीज को समझा होगा कि किसी भी नेता ने एक वाजिब जवाब नहीं दिया कि पलायन को रोकने के लिए आखिर काम क्या किया क्या। सब यही बताते रहे कि तुम्हारी शर्ट काली है, तुम्हारी शर्ट काली है, तुम्हारी शर्ट काली है, अपनी शर्ट का किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। बाकी चर्चाएं तो होती रहेंगी और चर्चा रोज होती ही है। शुक्रिया।